ये धुन है एक वाद्य यंत्र तमटे की, एक तरह का हाथ से बजाया जाने वाला ड्रम, जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर तक प्रसिद्धि दिलाई है कर्नाटक के चिक्कबल्लापुरा जिले के पिंडी पापनहल्ली गांव के कलाकार 77 वर्षीय मुनि वेंकटप्पा ने, जो 60 सालों से इस वाद्य की धुनों को लोगों के आगे प्रस्तुत कर रहे हैं। स्वयं मात्र चौथी कक्षा तक पढ़े हैं, लेकिन अपने पिता से सीखी इस कला को अत्यंत पारंगत स्वरूप में प्रस्तुत करते हैं। सामान्यतः तमटे कलाकार 5 से 6 ताल ही प्रयोग करते हैं, लेकिन मुनि वेंकटप्पा 33 से अधिक ताल का प्रयोग करते हैं। इस पारंपरिक वाद्य में नवाचार के अनूठे रंग पिरोते हैं। ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಾನು 17 ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅವರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ಟೌನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಏ ಪಾಪ ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಇನ್ನು ತಮಟೆ ಬಾರಿಸೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಹುಟ್ಟಿತು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಹಸ್ತುಗಳು ವೆಂಕಟಾಣಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ಆರಣಿ ಕೊಡೋರು, ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಹಿಂಗೆ ದೇವ್ರ ಉತ್ಸವ, ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಇಂಥದ್ದು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹಿಂಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ನಮಗೂ ಒಂದು ಕಲೆ ಮೈ ಅಂಟಿತು. ನಾನು ಕಲಾವಿದ ಆದ, ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದೇ ಇದು ಕೊಟ್ಟರು, ಆಮೇಲೆ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 4 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾಡೋಜ ಆಯಿತು. ನಾಡೋಜ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಂಪಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಂತ ಇಂಥ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಅದು ಇದು ಕೊಟ್ಟರು. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಈ ಸಾಲಿನ ನಮಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ತಂದಿಕ್ಕದು. कला के प्रति प्रेम ही है कि मुनि वेंकटप्पा तमटे के साथ साथ ताशे, डोलू, लोक वाद्य बजाने में भी पारंगत हैं। 13 कलाकारों का समूह बनाकर इसे मेलों, त्योहारों, विशेष आयोजनों में जब प्रस्तुत करने लगे तो लोगों को भी इस मधुर वाद्य के विषय में जानकारी होने लगी और ये सिलसिला लगातार आगे बढ़ता गया। जिन लोगों ने सही मायने में ओवर द जनरेशंस और अपनी पूरी लाइफ में हमारी कंट्री को कंट्रीब्यूट किया है, उनको ऑनर करना पद्मा अवार्ड से, मुझे लगता है ये एक, हमारे आर्ट और कल्चर की खास तौर पे बात करूं तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मुनि वेंकटप्पा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उन्हें पद्मा पुरस्कार से नवाजा गया है और ये बहुत बड़ी बात है, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। 50 ईयर्स से ज़्यादा का उनका परफॉर्मेंस कैरियर रहा है, जिसमें उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को बहुत फैलाया है, लोगों के बीच में लाया है, उसकी पॉपुलैरिटी में, उसके प्रमोशन में, प्रोपगेशन में उनका बहुत बड़ा हाथ है। तमटे वाद्य दक्षिण भारत के राज्यों में अधिक प्रचलित है। माना जाता है कि इसका आरंभ पुराने मैसूर में हुआ। हालांकि ये वाद्य यंत्र पहले केवल अनुसूचित जाति वाले ही बजाते थे, लेकिन मुनि वेंकटप्पा इस सोच के बावजूद इस कला का अगली पीढ़ी तक प्रसार करने के लिए अन्य युवा और उभरते कलाकारों को इसमें प्रशिक्षित करते हैं। मुनि वेंकटप्पा ने विदेशों में जाकर भी इस कला से दर्शकों को रूबरू कराया और सराहना बटोरी। तमटे वादक नदोजा पिंडी पापनहल्ली मुनि वेंकटप्पा को पद्मश्री पुरस्कार के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।